तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सेट ए है। तो प्यारे विद्यार्थियों जिन जिन विद्यार्थियों ने भी सेट ए का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको पूरा का पूरा आपका बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा आपका 10वीं का जो परीक्षा होने वाली है इसके लिए जो अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं इनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो आप लोगों को यहां से इनको देख लेना है, ये आपके सही विकल्प रहे, आप सभी लोग यहां से इन सही विकल्पों को देख लेंगे अच्छे से और इनको नोट भी कर लेंगे। टोटली सही विकल्प आपसे इस प्रकार से यहाँ से पूछे जाएंगे और उसी के नीचे ये आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को यहाँ से देख लेंगे और उसके अलावा ये आपकी सही जोड़ी पूछी गई है। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ से सही जोड़ी का मिलान कर लेना है और आगे ये रहा आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले मैं आपको पेपर बता रहा हूँ और पेपर को देख लेने के बाद में हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों पूरी की पूरी आंसर शीट मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा, तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख लें। इस प्रकार का पेपर आपका सेट ए आया है। चलिए अब देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 का आपका गणित का सेट ए, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको समझ लेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया, प्रश्न नंबर एक में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आपको इन सही विकल्पों का चयन करके लिख देना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है दो संख्याएँ ए और बी इस प्रकार की है कि ए बी गुणा ये जो लिखा है देखिएगा 64 है तो एस सी एफ कितना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तो इसका जो एस सी एफ होगा यहाँ से आपको लिख लेना है। तो एस सी एफ आपको एल सी एम ज्ञात करना था, तो देखिएगा यहाँ से एस सी एफ इसका आ जाएगा 5, यहाँ से आपको लिख लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था इसका उत्तर ये होगा। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देखें तो यहाँ से आपको लिख लेना है अनंत हल होंगे और इसमें आपको बताना था कि इस श्रेणी का कौन सा पद 54 है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन से नंबर का 54 पद होगा ये आपको बताना था, तो ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसका नवा पद 54 होगा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ये दिया गया है तो तब आपको बी का मान कितना होगा ये बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बी का मान कितना है ये आपको यहाँ से देखना था। अब इसी के अलावा यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है और आगे यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख सकते हो। रिक्त स्थान पूर्ति में पहले रिक्त स्थान में आपको अभाज्य लिख लेना है, दूसरे में आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेना है और उसी के अलावा तीसरे में आपको एनवा पद क्या लिख लेना 3 + 2n के रूप का होगा। और इसी के अलावा आगे आपको इस प्रकार से ये लिख लेना है पूरा an का सूत्र यहाँ पर लिखना था इस जगह पर, तो यहाँ पर आपका हो जाता इस प्रकार से आपको लिख लेना था an इज इक्वल टू a प्लस एन और इसके अलावा इस प्रकार से पूरा इसका सूत्र हो जाता। उसी के अलावा अगले आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इन सभी को आप लोग देख लेंगे और आगे यहाँ से जोड़ी का मिलान पूछा गया है, आप लोग इस प्रकार से पूरा जोड़ी को मिलान कर लेंगे और आगे ये लिखें आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर और आगे ये आपके ये सभी के सभी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं और आगे ये आपके सत्य सत्य दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लेंगे। इस प्रकार से आप सभी को सत्य सत्य को नोट कर लेना है और आगे प्रश्न नंबर 6 से शुरुआत होती है इसकी, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो भली भांति पूर्वक। प्रश्न नंबर 6 लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 बराबर ये पूरा का पूरा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और उसी के अलावा दूसरे प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर लिखा गया है, आप इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हो। और उसके अलावा अगला प्रश्न ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। और ये प्रश्न नंबर 7 लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें प्रश्न नंबर 7 को और इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है प्रश्न नंबर 7 को। और ये प्रश्न नंबर 7 की अथवा में प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से आप लोग टोटली इसको देख लेंगे और इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। और उसी के अलावा ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8, यहाँ से आप लोग देख लें और इसका सॉल्यूशन भी आप लोग तैयार कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 को देख लें आप सभी लोग। और उसके अलावा ये प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, ये 8 का अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। और ये आपसे प्रश्न नंबर 9 का अथवा पूछा गया है, इस प्रकार से आपको इसको भी नोट कर लेना है, ये प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला प्रश्न लिखा है।
और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 9 जो लिखा है उसका अथवा वाला है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन यहाँ से तैयार कर लेना है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, आपताब अपनी पुत्री से कहता है कि, तो यहाँ से आप लोगों को इस प्रश्न को देख लेना है और इस प्रकार से ये पूरा इसका उत्तर आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको हल करना सीख लें। और उसी के अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसमें जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से इसको नोट कर लेना है टोटली। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लें और इसको हल करना सीख लेंगे। यहाँ से ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है और ये प्रश्न नंबर 11 के अथवा प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये हल करना सीख लेना है। और उसी के अलावा ये प्रश्न नंबर 12 लिखा है और ये पूरा का पूरा प्यार विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है, यहाँ से आप लोग इसको टोटली देख लें और इसको नोट कर लें। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 12 को हल कर सकते हो। और प्रश्न नंबर 12 के बाद में ये अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे टोटली और इसको नोट भी कर लेंगे। और उसी के अलावा प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 13 का टोटली उत्तर दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। टोटली ये प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों कि आपने प्रश्न नंबर 13 को भी नोट कर लिया होगा। अब प्रश्न नंबर 13 के बाद में ये 13 के अथवा वाले प्रश्न को देख लें, ये जो पूछा गया आप सभी से, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को देख लें और ये इसका उत्तर लिखा पूरा। और ये प्रश्न नंबर 14 लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा यहाँ तक का आपको इसे नोट कर लेना है। ये आपका प्रश्न नंबर 14 दिया गया है और ये आपका प्रश्न नंबर 14 का अथवा वाला प्रश्न है जो कि ये लिखा गया है। आप इस प्रकार से इसको हल कर लें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 15 लिखा है, यहाँ से आप टोटली इसको नोट कर लेंगे और इसको हल भी कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर 15 का पूरा उत्तर दिया गया है और ये 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से आप लोग देख लें। ये इस प्रकार से इसका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। आप लोग इस प्रकार से यहाँ से इसको देख लें और टोटली नोट कर लें। और उसके अलावा ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। इस प्रकार से आप सभी को इसको देख लेना है और समझ लेना है और यहाँ से इसकी हल्की शुरुआत हो जाती है। और ये रहा पूरा का पूरा इसका हल, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और ये रहा प्रश्न नंबर 17 और ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर लिखा है, आप लोग इस प्रकार से देख लें टोटली इसको। और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 17 का अथवा वाला प्रश्न, आप लोग इसको देख लें यहाँ से और इसको नोट भी कर लेंगे। इस प्रकार से पूरा का पूरा नोट यहाँ से आपको कर लेना है। और ये रहा प्रश्न नंबर 18 और इसका उत्तर, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना है। इस प्रकार से आप लोग इसको प्रश्न नंबर 18 को हल कर सकते हो। तो ये प्रश्न 18 मैंने आपको बता दिया है और ये प्रश्न 18 का अथवा वाला आपसे पूछा गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 के सॉल्यूशन को लिख लेना है, यहाँ से आप लोग टोटली देख लें और इसको नोट भी कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है। तो देखिएगा, ये जो 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें और इसका पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे आप लोग। इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लें और प्रश्न नंबर 19 का पूरा इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख लें इस क्वेश्चन को भी, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 20 लिखा है और ये इसका पूरा उत्तर है, इस प्रकार से आप लोग इसके उत्तर को पूरा नोट कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर 20 का पूरा उत्तर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, तो देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 20 के अथवा का पूरा उत्तर है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और नोट भी कर लेंगे। ये टोटली इसका उत्तर दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और आप लोगों को इसको पूरा अच्छे से याद कर लेना है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो यहाँ से आपको ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पूरा आप लोग यहाँ तक का इसको हल करना सीख लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लें और इसको हल करना सीख लें। और आगे ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग टोटली इसको हल कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 22 का पूरा सॉल्यूशन है, आप इस प्रकार से इसको पूरा देख के हल कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये रहा, ये प्रश्न नंबर 22 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से आप लोग देख लें और ये इस प्रकार से पूरा इसका सॉल्यूशन आप लोग तैयार कर लें यहाँ तक का। और ये प्रश्न नंबर 23 लिखा है, आप लोग इसको देख लेंगे और इस प्रकार से आपको ये पूरा इसको हल कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो मैंने आपको
प्रश्न नंबर 23 तक के सभी प्रश्न बता दिए हैं। आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा हल कर लेंगे। देखिएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का उपलब्ध करवा दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।